दोस्तों, अगर आप भी इस मैच में बेंगलुरु की टीम के शानदार प्रदर्शन को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, चेन्नई की टीम को हराकर प्लेऑफ में ऐसे पहुंची बेंगलुरु। जी हां दोस्तों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच आज खेले गए रोमांचक मैच में बेंगलुरु की टीम को जीत मिली है और आज बेंगलुरु की टीम ने बेहतर तरीके से जीत दर्ज करते हुए चेन्नई की टीम को प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया और अपनी एंट्री प्लेऑफ में पक्की कर ली है। तो आखिर कैसे चेन्नई की टीम के खिलाफ बेंगलुरु की टीम ने जीत दर्ज करते हुए प्लेऑफ के अंदर पहुंच चुकी है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में कौन खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच आज बेंगलुरु के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करते हुए चेन्नई की टीम ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर दिया। आपके जानकारी के लिए बता दें, इस मैच में बेंगलुरु की टीम के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसी ने 54 रनों का योगदान दिया, तो वहीं विराट कोहली ने 47 रनों की पारी खेली। हालांकि इसका पीछा करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई ने पावर प्ले के अंदर ही गंवा दिए थे। इस दौरान चेन्नई की टीम का पहला विकेट पहले ओवर के अंदर पहली गेंद पर मैच में ले लिया गया था। हालांकि इसका पीछा करते हुए चेन्नई की टीम ने वापसी कर दी, लेकिन इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और चेन्नई की टीम को हराने के साथ इस बार प्लेऑफ के अंदर अपनी जगह भी पक्की कर ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेंगलुरु की टीम को इस मैच में जीत दर्ज करना काफी ज्यादा जरूरी था, जिसके चलते वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती थी, लेकिन इसके लिए बेंगलुरु की टीम को चेन्नई के खिलाफ 201 रनों पर रोकने का काम करना था, जो कि आरसीबी की टीम ने कर दिया और इस मैच को आरसीबी की टीम जीत गई। और इसी के साथ 18 रनों के अंतर से मिली जीत के साथ बेंगलुरु की टीम का नेट रन रेट भी चेन्नई से काफी ज्यादा बेहतर हो गया और चेन्नई की टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के साथ बेंगलुरु की टीम प्लेऑफ के अंदर पहुंच गई है और चेन्नई को प्लेऑफ से बाहर भी कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में बेंगलुरु की टीम के जीत के असली हीरो कौन रहे? दोस्तों, चिन्नास्वामी के मैदान पर चेन्नई और बेंगलोर के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। बेंगलोर के बल्लेबाजों ने चेन्नई के सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। जवाब में गेंदबाजों ने भी बेंगलोर के जबरदस्त खेल दिखाए, चेन्नई के टॉप ऑर्डर को भी खेल कर रख दिया। तो आखिर इस मैच में चेन्नई को किस बल्लेबाज ने कराई वापसी, किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत, महेंद्र सिंह धोनी ने कितने रनों का दिया योगदान, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कौन सी टीम प्लेऑफ में बना पाई जगह, अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बेंगलोर इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। ये मुकाबला चेन्नई और बेंगलोर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। जो टीम इस मैच को जीतती है वो सीधा प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। आपको बता दें, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं बेंगलोर को उनके घर में ही पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान डु प्लेसिस आए। दोनों खिलाड़ी बेहद ही खतरनाक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तुषार देशपांडे बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में तुषार देशपांडे ने केवल 2 रन दिए। बेंगलोर की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, पहले ओवर में टीम ने केवल 2 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, इनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। वहीं विराट की बल्लेबाजी देखकर डु प्लेसी भी अपने बल्ले का मुंह खोले। ठाकुर की 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया, इसके बाद भी वो रुके नहीं, अंतिम गेंद को छक्के में तब्दील कर इस ओवर से 16 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 18 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया। विराट कोहली इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए, तीसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया।
चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बैंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। महेश ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन दिए। बैंगलोर का स्कोर 4 ओवर में केवल 35 रनों तक बन पाया। विकेट की तलाश में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए 5वां ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद मिचेल सेंटनर को थमाई और बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। एक एक रन के लिए बैंगलोर के बल्लेबाज इस ओवर में तरस रहे थे और केवल इस ओवर में 2 रन दिए। 5 ओवर में बैंगलोर का स्कोर केवल 37 रनों तक बन पाया। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर महेश तीक्ष्ण शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की दूसरी गेंद पर डुप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर टीम के ऊपर से प्रेशर को हटाया और स्कोर को आगे बढ़ाया और पावर प्ले के 6 ओवर में बैंगलोर का स्कोर केवल 42 रनों तक बन पाया। लेकिन उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार बैटिंग करना ज्यादा दिखाई और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के स्कोर के पार पहुंचाकर अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। देखते देखते विराट कोहली अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 9 ओवर में टीम का स्कोर 70 रन बन चुका था। चेन्नई की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर, इनका स्वागत कोहली ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया, लेकिन सेंटनर ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। कोहली टीम के लिए 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर डुप्लेसिस का साथ देने रजत पाटीदार आए, लेकिन देखते ही देखते डुप्लेसिस ने अपना अर्धशतक केवल 35 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 12 ओवर में 108 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन चेन्नई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल सेंटनर। इस ओवर में उन्होंने अंतिम गेंद पर डुप्लेसिस को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 113 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब कैमरन ग्रीन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला। 15 ओवर में टीम के स्कोर को 138 रनों तक पहुंचा दिया। कैमरन ग्रीन भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर के ओवर में खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी भी बना ली। बैंगलोर का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, तो शारदेश पांडे से लेकर शार्दुल ठाकुर हर गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी। कैमरन ग्रीन और रजत पाटीदार अपने प्रचंड रूप में आ चुके थे, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने पहले तो कैमरन ग्रीन से 2 छक्के खाए, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। 184 रनों के स्कोर पर बैंगलोर को तीसरा झटका लग गया। रजत पाटीदार टीम के लिए 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कैमरन ग्रीन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आ चुके थे, ये भी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिए। देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 18.4 ओवर में ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तुषार देशपांडे की अगली ही गेंद पर कार्तिक अपना विकेट भी गवा बैठे। 201 रनों के स्कोर पर बैंगलोर का चौथा विकेट गिर गया। अब कैमरन ग्रीन का साथ देने मैदान पर मैक्सवेल आए और आते ही शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और अपना खाता खोला। 19 ओवर में बैंगलोर का स्कोर 205 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर खतरनाक गेंदबाजी, मैक्सवेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और केवल 13 रन दिए। बैंगलोर की टीम ने 20 ओवर में चेन्नई के सामने 218 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र, वहीं बैंगलोर की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मैक्सवेल और आते ही इन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 0 के स्कोर पर दिलवा दी और चेन्नई को बहुत बड़ा झटका लग गया। गायकवाड़ बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज डैरिल मिचेल आ चुके थे और आते ही इन्होंने मैक्सवेल की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं मैक्सवेल की अंतिम गेंद पर रविंद्र ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर से 12 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। वहीं बैंगलोर की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी चौथी गेंद पर रविंद्र ने शानदार चौका जड़कर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। बैंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश दयाल और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डैरिल मिचेल को कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 19 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिला दी।
डैरिल मिशेल अपनी टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं चेन्नई की कमर टूटती हुई नजर आने लगी, लेकिन रचिन रविंद्र अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। बेंगलोर मैच में पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आने लगी। अजिंक्य रहाणे ने यश दयाल के ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 3 ओवर में 26 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर रचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाकर किया। अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे।